परम सत्कार योग मेरे वीर ते बजुर्ग ए जड़ा मोर्चा ए अपनी कले कले पर नाल या कले कले खम नाल जुड़ के एक मोर्चा बनता। आपां सब ते पहला फतेह बुलाईए, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो कई तो मैं उरे तकरीबन अज सतवीं वारी आया, क्योंकि 2005 महीने की 24 तरीक नूं मेरा एक हादसा होया, एक्सीडेंट होया। उस हादसे दे विच मैनूं 2 महीने तकरीब बेहोश भी रहना पिया। पर जिस दिन ते इह अपनी प्रथा तुरी है जिहड़ी पंजाब दी इक होंद दा बहुत ज़्यादा बड़ा कहाण होण लग्या, मैं तकरीबन हर एक जद सोझी आ गई, सोझी दे हौली हौली संभलदा संभलदा जिदन मैं पहले दिन उरे आया, मैनू बंदे ने फड़ के लिया, बोलिया नहीं, मैं कुछ नहीं करिया, सिर्फ उरे देख के संगत दे दर्शन करके। काका जी साढ़े दीप सिद्धू जी जिहड़े बहुत वधिया, जिन्हां दी मैनूं विचार लगे यार बहुत वधिया, उन्हां दी होंद लगी। बहुत साल पहला तकरीबन मैनू 45 साल का अनुमान है भी मैं 45 साल से पार्टियां नाल जुड़िया, पार्टियां भी सेवा भी करी है, ज़्यादातर जिथे भी इच्छा मिलनी। जिस तरह एक बारी किसान यूनियन का जिहड़ा धरना सब तो बड़ा धरना चंडीगढ़ च लग्या, उस धरने के बड़ा मन मैं सेवा करता रहा, उसे 3 दिन बड़ा मन हौसला होया भी लै भी। उस तरह दिमाग दे विच उही कहानी है जिहड़ी अपनी एक सन 47 च होई है, साडे देश की वंड हुई है, वो वंड दे मुताबक असी वंड नहीं उहनूं कहिंदे, उस टाइम आजादी कहने भी आजादी मिली, सानू आजादी मिली। पर वीरो 45 साल के तजर्बे दे विच मैं एक चीज देखी है, एक पंजाब जिहड़ा हाथी दे सवार चलिया, हाथी का सुफना लेके चलिया, हाथी ही चलिया हिंदुस्तान दे विच। जब पहला कट्ठा हिंदुस्तान था, जे कोई वधिया शांत, जे कोई वधिया शौकत, जे कोई वधिया मानता थी, तां वो गुरु गोबिंद सिंह दी लाडली जिहड़ी फौज है पंजाब दी, इहदे ब्रह्मानता पंजाब दा हर एक सूबे दे बाहरले मुल्कां दे विच भी नौता मानता एक बड़े उस ते तुरिया है। ए जाते आजादी मिलदी चली गई, आजादी च भी घटिया पहले ही झटा अपने पर, जिहड़ा आजादी दे विच आपां नूं बहुत ज़्यादा नुकसान होया, अपना कुछ हिस्सा पाकिस्तान चलिया गया, कुछ हिस्सा थोड़ा जिहा राजां च करते इन्हां ने। उस तो करदा 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 साडा बिल्कुल हुण एक मुर्गे दे मुताबक हो गया। मैं जिहड़ा मेरा मन मानदा उहदे विच ते भी अपने खंभ जिहड़े आ निखरदे जा रहे हैं, क्यों कि उरे दा सिस्टम, उरे दी जिहड़ी राजनीति है, इस राजनीति ने अंग्रेजां ते कुछ सिखिया, इन्हां लोकां ने अंग्रेजां ते कुछ सिखिया। आपां सुणदे भी हैं, थोड़े वज के बजुर्ग जिहड़े दसदे हैं भी उह इक इन्हां नूं जांदे समझा के सी, इक अनुमान ला लो चाहे सच ला लो भी इन्हां दी नीति जिहड़ी है, पाड़ो ते राज करो, पाड़ो ते राज करो नीति दे विच। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਰਾਵੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਔਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ 500 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ 5-5, 7-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਪਰ ਆ ਗਿਆ।
ਜਿਹੜਾ 500 ਵਿਗਿਆੜਦਾ ਉਹ ਵਿਗਿਆ ਭਰੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੈਂਕੜੇ ਸੁੰਕੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸਿਰੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਿਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਾਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭੈਣ ਔਰ ਭਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ ਖੋਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ 18 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ 45 ਸਾਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ 5-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੱਗੂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੜਕਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੋ ਦੌਰ ਲਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਇਆ ਭਰਾਵੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਔਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ MP ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਆਪ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਜੜਿਆ ਉਖੜਿਆ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਥਾ 15-16 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਜੜ ਉਖੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉਜਾੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੰਨ 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਘਟਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਦੇ ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ 2-4 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ 500-600 MP ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ MP ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾਂ ਤੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਸ ਪਾਸ ਚਲੀ ਗਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਬੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ MLA ਬਣਨ ਦਾ
आज जोदे कोल 5-7 कोठियां भी है, आज घटो घट भी हजारां करोड़ दा मालिक है। के गल भी ओह किस तरह बन गया? कदे कदे किसे ने पुछया, किसे राजनीति ने गल उठाई? कालिया तंग आ जाने असि कांग्रेस में बढ़ जाने, कांग्रेस तंग आए कालिया में बढ़ जाने, पर कदे किसे ने अज तक किसे सवाल नहीं करया भी यह बंदा क्यों उप होया, ये क्यों इन्हां कोल चौधर आई, क्यों इन्हों को पैसा आया, क्यों इन्हों को इनिया जायदाद आई? भरावो दसो किस किस बंदे ने करया? जिहड़ी चंगी राजनीति जिस बंदे दे हल होई, मैं 15-20 साल टौड़ा साहब दे नाल रहा, 5-6 साल कैप्टन कमल जी दे नाल रहा, वह भरावो जिस पल्ले राजनीति चंगी पई आ, वह बंदा ही नहीं रहा। अंकड़े ला के देख लो, अज ते नहीं पहला दे लेके, वह बंदा नहीं रहा। सिर्फ रहा जेड़ा के अहलकार अर सुफने सरदार, जेड़ा सोचता अपने आप नूं मजोग है मैं ही है, वह रहा। अज जेड़ा एक मोर्चा पंजाब दे विच हर किसों लग्या वा, यह मोर्चे दे विच मैनूं थोड़ा जिहा सहयोग दिख रहा, कि थोड़ा सहयोग मैनूं संत भिंडरां वाले च भी दिखा सी, संत सी, बिल्कुल असली संत सी वह, थोड़ा बहुत मौका मैनूं भी दे नाल बैठन दा मिलिया, कोई सवाल नहीं मैं करिया उस बंदे नूं। हाँ, यह कोशिश हो सकी असी एक गल, जद अटैक होया मैं टौड़ा साहब दे नाल रहिंदा सा, सानू मौका मिलिया भी किसे तरीके नाल अटैक टालिया जावे। असी उस दी तकरीबन लहर भी लई, मीटिंगां भी होईयां, मीटिंगां होण दे बावजूद साडा कोई हल नहीं होया। अखीर मां इंदिरा जी ने यह गल कही, मैं थोनू सौं खा के कह रहा गल, मैनू पता उस चीज़ का भी असी अटैक नहीं रोक सकते, साडा सारा प्लैन बन गया, नहीं अटैक रोक सकते। फिर उतों संत जी ने उठना नहीं मनिया, कहना ठीक है जे मेरी कुरबानी दे विच लिखिया वा जरूर होगी। सवाल दुख होया, अज तक सवाय दुखां ते वीरो मेरे पले कुछ नहीं पिया। गरीब परिवार चों मैं कोई बहुता तकड़ा नहीं, बहुता ज्यादा मेरे कोल कुछ नहीं हैगा, पर मैं थोनू यह भी गल दसती भी अखीर में आके मेरे बच्चे भी मेरे कोल नहीं रहे। मेरे कोल दो लड़कियां, एक लड़का था एक्सीडेंट होकर मारा गया था, बहुत लायक बच्चा था, पहलवान लाइन च जिहड़ा कराली एक्सीडेंट होया 10-12 साल पहला, उहदे विच हादसे च मारिया गया। ओह भरावो मेरे कोल कुछ भी नहीं रहा। हुण मोदी ने शरारत करी, शरारत इहनूं महंगी लागी पैण, जिहड़ा ट्रंप दा हारना मोदी दे कारण हारना, उत्थे ते चंगी छतरौड वजी है इहनूं, यूपी माते दा उह हाल होऊगा जिहड़ा नहीं होणा, सोचिया भी नहीं कदे, हो सकदा खाता भी ना खुले बिहार चों, जिहड़ा बिहार दे विच इलैक्शन हो रहा। सवाल यही पंजाब दे विच स्थिति है साडी, असीं चाहुंदे हां भी सानू कोई सुनाउण दा बंदा भी ना टक्करे, असीं चाहुंदे हां भी सुनाउण दा सानू बंदा भी ना टक्करे कोई। क्यों? बड़ी आस लाई थी भी चलो इन्ने सालों बाद रदल बदल पंजाब दे हिंदुस्तान दे विच सरकार आई है भी साडे लोकां दा कुछ भला हो जूगा, असीं अपना भला कल्ले नहीं चाहुंदे, असीं सारिआं दा भला चाहुंदे हां, सारे संसार दा भला चाहुंदे हां, तड़के उठ के सच्चे पातशाह नौ लैने हां, फिर भी संसार की खैर मंगदे हां, सच्चे पातशाह संसार की खैर करो, सच्चे पातशाह संसार पर मेहर करो। तो सवाल अपने पर फिर उत्थी घूम के उस तरह ही आ जांदा, उस नालों भी माड़ा होया। हुण ये मसला जे हल हो भी जांदा, मैं तो ये अपने वीर नूं दीप सिद्धू नूं एक बहुत पात्र दे तौर ते मानदा, बधाई दे तौर ते मानदा, जिन्हां ने आके इत्थे मोर्चा लाया। असी पंजाब नूं आजादी दे सुपने देख रहे हैं, हुण इस टाइम भी किसी भी तरीके नाल जे कि पंजाब आजाद हो जाए, यह गुलामी ते असी छुटकारा पा लीए, तो छुटकारा इसे तरीके नाल पै सकदा जे आपां इकट्ठे रहे, तो किसान मोर्चा इकट्ठा रहा, तो जे असी फिर पालड़ियां चढ़ गए, एक पालड़ा उधर हो जाए, एक पालड़ा उधर हो जाए, तिया आ जूगा बिच बढ़ जूगा, इन्हें चढ़ गए साढ़े फिर कोई सुनवाई नहीं होनी। मेरे वीरो इस गल का ध्यान रखो, मेरा अपना शरीर हुण काम करन लग गया, मैं तो इस इहदी जिहड़ी मोर्चे की भी दुआ करदा भी मैनू दिनों दिन ठीक होंदा रहा, मेरी दवाई जिहड़ी आ बिल्कुल इस टाइम बंद होगी, दिनों दिन मैं ठीक होंदा आ रहा, थोड़े सामने खड़ के बोल रहा, जिस दिन मैं पहले दिन आया था बोल नहीं सकया था, सिर्फ देख के मुड़ गया, दूई बारी मैं थोड़ा जहा बंदा खड़ा के बोलिया, थोड़ा जहा बोलिया,
तीह वारी आके मैनू सोहना बोलना मिल गया। आज पंजवीं छेवीं वारी मैं आया, कल भी आया, कल बैठ के मुड़ के चला गया। क्यों? चाहे मैं घर से सो चोरी आवा पर आ जाना है, मेरा मन नहीं लगता घर, मेरा मन इस परिवार च लगता। मैं चाहना भी साढ़े को सुख आ जाए, सुख की अरदास कर रहा, सुख की कामना कर रहा भी सच्चे पातशाह साड़ा मुल्क जरा पंजाब आजाद हो जाए। ना उरे कोई कानून रहा, ना कोई रेखा रही है, ना कोई अज तक कोई किसी के नाल पल्ले कुछ पैंदा, हमेशा माड़े दे नाल मारे मार होंदी है, मारे मार होंदी है। जिन्नी मुलाजम तबका ये भी तंग है। मैं जद अपने खाड़कूवादी लहर थी उस समय मैं बहुत अफसरां नूं रोंदे देखिया, बहुत अफसरां नूं मैं देखिया अपनी अखां नाल रोंदे। वाका हो जाना, सारा कुछ हो जाना, उपर दे हुक्म आने भी ऐ होना चाहिए। अखीर में उन्होंने रोना भी साड़ी जिहड़ी नौजवानी है बिल्कुल टिकाने लगती जा रही है। उस तो असी फिर थोड़ा छुटकारा पिया, गल दबी, फिर असी नशियामा तौर पर दसो वर्ल्ड दे विच कि इन्ना इन्ना सुनिया भी कहते चिट्टा आया, कोई स्मैक आ, कोई होर नशा है साढ़े पंजाब तक खलाउण बन गया, खेल बन गया इस चीज़ का। क्यों आप क्यों नहीं छुटकारा पाते? आप सिर्फ आजादी च है, गुलामी च है, गुलामी च आजादी नहीं अपन मिली। जे आजादी मिले तो अपने कानून भी कायम रहन, अपनी रक्षा भी कायम रहे, तो अपने कोल आजादी का सुपना तदे पूरा हो सकता है। आप सारी चीज से मुक्त हो जाइए। किसी नूं रोटी तो परमात्मा सच्चे पातशाह दो टाइम दे ही दिंदा, रोटी हर एक नूं मिलती है। कोई पैसे नाल ज्यादा ढिड नहीं भरदा, या पैसे नाल कोई ज्यादा बड़ी सरदारी नहीं बनती। पैसा कोई चीज़ नहीं, जे अहमियत है तो अपने परिवारों की है, अहमियत है अपनी गरीबी की है। आप सारे रल के इस मकसद नूं चलो, एक दे दूजे नूं, दूजे दे तीजे नूं, तीजे चौथे नूं। मेरा अपना सुपना है भी मैं अपने हल्के दे विच हुण सारे पिंड पिंड फिरूंगा, घर घर फिरूंगा, लोगों नूं यही कहना भी मसा आपां नूं मौका मिलिया, ओ मेरे भरावो, ओ मेरे वीरो, आपां कट्ठे हो के हमला मारीए पंजाब की आजादी वास्ते। मैं मेरी इन्नी कु बेनती है, मैं थानू भी सब नूं यही बेनती करना, सारे सुपना लो इस गल का भी आप एक दे दूजा, दूजे तीजा, तीजे चौथा, इस तरह एक एक करके सैकड़े हो जाएंगे। आप सैकड़े कट्ठे हो गए, कट्ठे हो गए तो ही बचाव हो सकता। आप पॉलिटिक्सा तो बचीए, पॉलिटिक्स में सवाए मारन से अपने को पल कुछ नहीं पिया। इन्ना ही शिवा कहना, शिवा का याचिका, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।